प्रांतीय संयोजक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा हरि शरण गौतम के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पार्क से रैली निकाली। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुख्य मांगों में पुनः पैक्ट, किस शर्तों को पूर्णतया लागू करने, SC/ST एक्ट को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने, दलितों के साथ बढ़ रहे अत्याचार उत्पीड़न को रोकने सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर रैली निकाली। रैली नगर निगम से होते हुए बैंक रोड, विजय चौक, गणेश चौक, चेतना तिराहा, कलेक्ट्रेट तिराहा से होते हुए अम्बेडकर चौक पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर भारी संख्या में विभिन्न संगठनों सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए अपनी मांगों को लेकर नारा लगाते रहे। मांगों के संदर्भ में प्रदर्शन स्थल पर आए प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रांतीय संयोजक हरि शरण गौतम ने कहा, मिलकर करेंगे पूरा। माननीय DM साहब के तरफ से हमारे जो है प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं, हमारे शुक्र ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ऊपर आ जाए, वो लोग भी जो नीचे है वो लोग ऊपर आ जाए। देखिए, दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। जो SC/ST एक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को डाइल्यूट कर दिया था। उसके विरुद्ध जो है 2 अप्रैल को पूरे देश में सामाजिक संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था। उस भारत बंद में तमाम हमारे साथी शहीद भी हुए, 14-15 की संख्या में। और उस भारत बंद की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने आनन फानन में विधेयक ला करके उसको फिर से कानून पास कराया, लेकिन 6 सितंबर को फिर से सवर्णों द्वारा उस कानून का विरोध दिवस मनाया गया पूरे भारत में। और यह प्रक्रिया लगातार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में फिर से SLP दायर की गई है। हमारे इस जो भी एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारा SC/ST एक्ट है पूरे भारतवर्ष के SC/ST समुदाय के लिए, तो उसको बराबर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रांतीय सरकारें हैं या केंद्रीय सरकारें हैं वो भी पूरी तरह से उसको लागू करने नहीं दे रही हैं। समस्त थानाध्यक्षों को अघोषित रूप से निर्देश दिए गए हैं कि SC/ST के मामले या तो दर्ज न किए जाएं, या दर्ज भी किए जाएं तो SC/ST एक्ट न लगाया जाए, जिसके कारण हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। जो पुलिस केस दर्ज करती भी है तो उसकी ठीक से पैरवी नहीं होती है, जिससे न्यायालयों से मुश्किल से 10% मामलों में ही न्याय मिल पाता है, 90% मामलों में वो छूट जाते हैं। हमारी मांग है कि जो हस्तक्षेप सरकारों द्वारा या न्यायपालिका द्वारा किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि आरक्षण कानून जो है वह पूना पैक्ट से आया था। पूना पैक्ट जो है हमने नहीं मांगा था, पूना पैक्ट गांधी एंड कंपनी कांग्रेसियों ने जो है उसको विवश करके, गांधी ने आमरण अनशन करके उसको लागू करवाया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत मजबूरी में वो पैक्ट पर साइन करना पड़ा था। तो हमारा ये कहना है कि या तो पूना पैक्ट पूरी तरह से लागू हो, अगर लागू नहीं करते हो तो खुद है उसको समाप्त कर दो। हम भी खुश हैं जो हमको बाबा साहब लड़ करके वहाँ से कम्युनल अवार्ड प्राप्त किए थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस से, वो हमको वापस कर दो। शरण गौतम